बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मुशाहिदीन अलकराम की फिलहाल क्या आप लोगों के ठीक है खैरियत से रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो और रऊफ फजल अजीम की तरफ से आप सबको यौमुल जुमा मुबारक हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। तो दोस्तों जिस वक्त की पुण्य फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत पर लेके हाजिर हुआ। आज की जो खबरें हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं क्योंकि हमारे अहले वतन बेशक वो ओमानी हों खारजी हों सब ने मिलकर ओमान में जहाँ पर जिन हिस्सों पर शहीन समंदरी तूफान आया वहाँ की सफाई सुथराई के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अहसन तरीके से हिस्सा लिया। तो भाई इसके हवाले से आप लोग दे सकते हैं वीडियोज़ माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी भाई बांग्लादेशी भाई या और भी किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखने वाले खारजी भाई इसके अलावा ओमानी वो तो हैं ही हैं जेश के अदारों के तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं सोतल बातना और नौथर बातना के इलाकों में सवायकुल खबूरा के इलाकों में स्वयं के इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए और वहाँ की आप लोग दे सकते हैं सफाई सुथराई में हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा माशरे से माहौल बनाया गया। इसके हवाले से आप लोग देख सकते हैं मज़ीद वीडियोस हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं यहाँ पे मौजूद हैं और बता रहे हैं कि स्वयं का इलाका हम लोगों ने साफ किया है। इसके अलावा आप लोग उनकी ज़ुबानें खुद सुन सकते हैं क्या कह रहे हैं ये जी बिल्कुल बता रहे हैं हम लोगों ने सफाई सुथराई की है हम सब भाई भाई हैं आप लोग दे सकते हैं हमारे बांग्लादेशी भाई बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं हम लोग बिल्कुल भाई भाई हैं अखवान हैं ओमानी हो खारजी हो हमारा पताके शख्सी है बांग्लादेश का लेकिन हम लोग प्यार करते हैं ओमान से बिल्कुल हम भी प्यार करते हैं इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए हंसता बसता रखे आप लोगों को इंशाल्लाह अज़्वजल। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ये स्टेटमेंट शाया की गई इस स्टेटमेंट के मुताबिक भी तस्दीक की गई है 15,000 से जायद जो है लोग वॉलंटियर जो रजाकार हैं वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर तूफ़ान आया है और लोगों की हेल्प की है सफाई सुथराई की है ये मशाला से बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। तो ये तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी खबर है कि सफाई सुथराई का अमल जारी और सारी है लेकिन इसके बरक्स एक और आप लोगों को बात कहेंगे और साथ में एक स्टेटमेंट भी शाया हुई है आप लोग देख सकते हो ओमान डिफरेंस के अंदर इस स्टेटमेंट के मुताबिक काफ़ी सारे जो रजाकार हैं वो चीज़ें वगैरह बांट रहे होते हैं चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन साथ में कैमरा ऑन रखते हैं और दिखा रहे होते हैं कि ये हम इनको दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस स्टेटमेंट के अंदर भी तस्दीक की गई है ओमान के मीडिया के ऊपर कि इस तरह बिल्कुल ना करें अगर वो रजाकार जो पहुँचे उन इलाकों के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह ना पब्लिश करेंगे अपनी थोड़ी सी शोहरत के लिए कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं उनको ये सामान दे रहे हैं ये चीज़ें दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। एक दो उन लोगों का बुरा हाल है ऊपर से आप लोग इस तरह के काम करके अपनी शोहरत को मुमताज़ नहीं करते अपनी शोहरत को बल्कि गिराते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये भी तस्दीक की गई है कि अपने कैमरे वगैरह को दूर रखें लोगों की प्राइवेसी को आप लोग बिल्कुल मीडिया के ऊपर ना लेके आएँ इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे पॉजिटिव लीजिएगा मेरी बात को नेगेटिव ना लीजिएगा पॉजिटिव ही है क्योंकि इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। तो ये कुछ आज की अपडेट्स थी ओमान के हवाले से आज यौमुल जुमा छुट्टी का दिन है ज़्यादा अपडेट्स वगैरह शाया नहीं हुई और इंशाल्लाह जैसे और भी जो न्यू अपडेट्स आती हैं वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। रऊफ फजल अज़ीम को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।